बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुलजलाल की। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को, मेरे प्यार भरा सलाम और मेरी आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया शुक्रिया। भाई ये वाला वीक तो मेरा बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मैके गई, वहाँ पर मैंने खूब इन्जॉय किया। और मैं जुमतुल विदा को जब घर वापस आई हूँ दोपहर के 3 बजे, तो मेरा घर ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती, वो देखने लायक था ही नहीं। इसलिए मैंने वीडियो शूट ही नहीं की, क्योंकि मुझे जाना था अपने ननियाल की दावत में, मेरे नाना के घर, मतलब मेरे मामू जान के घर, मतलब मामू जान के बच्चों के। सोने पे सुहागा कुछ इस तरह हो गया कि इतने दिनों बाद जाके शबाना आंटी और गुड़िया और अंबर से सबसे मेरी मुलाकात हुई, इतनी सारी हम लोगों ने बातें की, बहुत हमें मज़ा आया। तो वीडियो को फिल ज़रूर वॉच कीजिएगा। दादे माशाल्लाह हीरो हीरो लग रहे हो, कपड़े गंदे नहीं करना है ना, मैं तैयार कर रही हूँ। कितना कंदील भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, है ना, ये प्यारी लग रही मेरी गुड़िया। मान रहीम, तो हम जा रहे हैं दावत में और आज बहुत लेट हो गए। शोहर की मीठी मीठी सी डांट सुनने को ना मिले तो लगता ही नहीं कि अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। तो बस भाई वही मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। और भाई गलती रज़ा की भी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे और रज़ा को ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग अफ्तारी अजानों के टाइम पे ही पहुँचेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में से केक भी लेना था और आज अलविदा जुम्मा भी था। तो रज़ा ने कहा कि ऐसा ना हो कि केक की दुकान पर बहुत ज़्यादा रश हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत आराम से सब कुछ मिल गया। माशाल्लाह से रज़ा की एक आदत है कि वो वक्त से पहले हमेशा हर जगह पहुंचते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते। वरना अभी अजान में 15-20 मिनट बाकी थे और हमारे साथ ही शबाना आंटी गुड़िया सब हम एक साथ ही पहुंचे थे, तो ज़्यादा लेट नहीं हुए। बस रज़ा को खामा खाई का डर लग रहा था। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हाय अंबर, आते के साथ ही अंबर मुझे मिल गए। ऊपर आसिफ वालों का है, मैं मेरी नंद का यहाँ है। आप ऊपर, आप मैं आ रही थी। सबसे पुरानी फैन है हम सबको, भी आपने बताया था। शादी के बाद अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो है ख़ुद के लिए वक्त निकालना। और बस ऐसे छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं और खुश हो जाते हैं थोड़ा सा। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और शबाना आंटी का मैगज़ीन में इंटरव्यू आया, तो वो उन्होंने मैगज़ीन मुझे गिफ्ट किया, तो मुझे वो पढ़ के, वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुम आमीन। तेरी रजा के लिए रोज़ा रखा है, तेरी रजा के लिए रोज़ा हम खोलेंगे। या अल्लाह जिन लोगों ने तमाम किया है इतना अच्छा, अल्लाह पाक उनके रिश्ते बरकत दे। आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अल्लाह पाक उनके सबके रोज़ों को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। हमसे किसी बात पर नाराज़ है तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। इस रमज़ान की रहमत से, इसकी बरकतों से अल्लाह सबके घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह जो भी परेशानी है किसी की, अल्लाह अपनी रहमत से अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हम पर अपना रहम करम फरमाए। अल्लाह हम सब की जो भी तकलीफें बीमारियाँ हैं, अल्लाह उनको सबको, सबकी बीमारियों को अल्लाह अपने करम से दूर कर दे। ये अल्लाह बेशक हम तुझसे मांगते हैं, तो ये हम पर अपना रहम करम करने वाला और हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। ये अल्लाह जिसके दिल में जो जो ख्वाहिशें हैं, जायज़ तमन्नाएं हैं, जो भी दुआएं अल्लाह उनकी सबकी दुआओं को कबूल करना। ये अल्लाह इस टाइम पर तेरी रहमत के फरिश्ते उतरते हैं अल्लाह, अपनी रहमत के फरिश्तों कि अल्लाह जो भी हमारे यहाँ पर हाजाते लेके अल्लाह सारी हाजाते हमारे कबूल मकबूल फरमाना। बेशक ये अपने बंदों पर रहम करम करने वाला है। आमीन। आमीन। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। दावत के
के बाद जो किचन का हाल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं। पहचाना उस दिन नकाब में पहचान लिया, आज नहीं पहचाना। बच्चे थकार के बैठ गए हैं और उदास हो रहे हैं। और ये मेरा शरारती बच्चा क्या कर रहा है? शरारती बच्चे आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दिखा हीरो क्या हो गया इसको? अपनी नंद के पोर्शन से निकल के ऊपर जा रही हूँ और ऊपर है मेरे दूसरे कजन का पोर्शन, तो यहाँ से है ये एंट्रेंस है। हाय बुशरा व्लॉगर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आजकल आपकी वीडियोस नहीं आ रही? अभी एडिटिंग के लिए बहुत पड़ी है। अच्छा। और भाई यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर भी माशाल्लाह काफी रश है। बर्तन यहाँ पर भी धुल रहे माशाल्लाह? जेंट्स यहाँ पर थे? नहीं, ऊपर थे। अच्छा भाई, एक बात तो मानने की है कि बाहर दावत करना बहुत आसान है बनिस्बत उसके कि घर में आप दावत करें, क्योंकि घर में दावत करने के बाद जो घर का हाल होता है ना, उसको तो भाई समेटने में जो हालत हो जाती है वो बस घर की औरतें ही जाने। तारीख के फौरन बाद यहाँ पर जो है चाय बन रही है सबके लिए। तो मेहमान है, मैं उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा रही। मैंने कहा मैं ले जाऊँ ट्रे, तो चाय पी जा रही है और माशाल्लाह से सब बैठे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। गुड़िया हैं, शवाना आंटी हैं। बस हम लोग अब नीचे जाएंगे खाना खाने के लिए। यहाँ पर मैं अपने आप को नहीं दिखा रही, सबको दिखा, सबको दिखा दूँगी। मामी अकेला अकेले क्या खा रही हो? ये मेरी सबसे प्यारी मामी, सबसे बड़ी मामी है। हेलो बोलो, बोलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो मामी। अस्सलाम वालेकुम आप करो ना मामी। मामी यहाँ पर क्या खा रही है? मामी बचपन में जो जो खाती थी हमें खिलाती थी, आज हमें नहीं पूछ रही है मामी। सब माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, इतनी रौनक है और हर एक रूम में जो है ना माशाल्लाह से इतने सारे मेहमान हैं। अम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी बेटी के घर पे इतनी रौनक लगी हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगी? आमीन, आमीन, सब आमीन जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। आमीन। ये अजरक बेसन का मालिक यहाँ पर बैठा। अजरक बेसन, आपकी अजरक बेसन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इबाद, इबाद शर्मा रहे। इबाद आप बताओ, आपने अजरक बेसन खाया? आपको कैसा लगा इनका बेसन? अरे अल्लाह, पाकिस्तान का नंबर वन बेसन। पाकिस्तान का नंबर, अजरक बेसन, अजरक बेसन की थोड़ी सी तारीफ हो जाए, थोड़ी सी तारीफ है। नहीं नहीं बोलो, अजरक बेसन पाकिस्तान का नंबर वन बेसन है। क्या बोला? दोबारा रिपीट रिपीट। आपके बनाओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? पानी। बस अब हम घर जा रहे हैं और माशाल्लाह से दावत बहुत 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 अच्छी रही, बहुत मज़ा आया और अब हम जा रहे हैं घर। चलें, कोई है? वेट वेट वेट, मेरी प्यारी प्यारी सहेली, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ थर्सडे नाइट तक आना है और 27वीं शब का देखना है। आखिरकार मेरे मैके में मेरी रुखसती ये वक्त क्या हुआ था? दरअसल वहाँ पर मेरे मंगवाई थी देख, मैंने नहीं मंगवाई, भाई ने मंगवाई थी और हम लोगों ने मस्जिद में खाना भिजवाया था और बहुत ही हम लोगों ने साथ मिल के डिनर किया, बहुत मज़ा आया। और मैंने बनाया था वहाँ पर मज़ेदार सा ज़रदा, क्योंकि मुझे ज़रदा पुलाव बहुत पसंद है। तो भाई ने कहा कि ज़रदा तुम बना लो, थोड़ा सा ही बनाना था घर के लिए और पुलाव जो है मैं बाज़ार से बनवा लेता हूँ। तो बस ये थोड़ी सी वीडियो शूट की थी तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। मैंने प्रॉपर जो होता है एक पूरा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत उदास थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।